बीते दिनी गुराया दी पति मांगा की विखे हुए झगड़े दौरान जख्मी हुए करण मुहम्मद की मौत तो बाद परिवारिक मैंबरां ने ऐलान किया सी कि जदों तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुंदी उन्ना चिर तक करण नूं सपुरदे खाक नहीं किया जाएगा। जिस तो बाद पुलिस वालों कतल का मामला दर्ज करके दो दोषियों जिन्हां विच मंगत सिंह अते गुरप्रीत सिंह गोपी नूं गिरफ्तार कर लिया गया सी। पर इस वारदात के मुख दोषी वरिंदर सिंह नूं पुलिस अजे तक गिरफ्तार नहीं कर सकी, जिसनों लैके परिवारिक मैंबरां विच भारी रोस पाया जा रहा है। मुख दोषी की गिरफ्तारी नूं लैके परिवारिक मैंबरां वल्लों अपने समर्थकां दे नाल SHO गुराया नाल मुलाकात की, पर मुलाकात नूं लैके परिवार नूं किसी तरह की कोई संतुष्टि ना होने तो बाद परिवारिक मैंबरां ने गुराया के मुख चौंक विखे धरना लगा के पंजाब पुलिस अते पंजाब सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी करते हुए मुख दोषी की गिरफ्तारी की मांग की। परिवारिक मैंबरों ने कहा कि जदों तक मुख दोषी वरिंदर नूं पुलिस गिरफ्तार नहीं करती उदों तक करण नूं सपुरदे खाक नहीं किया जाएगा। इस धरने कारण जिथे आवाजाई पूरी तरह नाल ठप हो गई उथे ही मौके ते पहुंचे नगर कौंसल गुराया दे प्रधान कमलदीप सिंह बिट्टू ने SSP जलंधर दिहाती नाल फोन ते गलबात की, जिन्हां ने परिवारिक मैंबरां नूं भरोसा दिता कि मंगलवार तक मुख दोषी नूं गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिस तो बाद मृतक के परिवारिक मैंबरां ने धरना खत्म किया अते कहा कि जेकर मंगलवार तक मुख दोषी वरिंदर नूं पुलिस ने गिरफ्तार ना किया तां बुधवार नूं करण मुहम्मद की लाश नूं सड़क ते राखे नैशनल हाईवे नूं जाम किया जाएगा। की यह कारण की मानते हो तुसीं जिन्हां ने मारिया है, तुसीं पता लगा उन्हां दे घर च काम भी करदे हैं? हां जी, मैं सारे घर च रहिंदी हां, नगर नूं पता मेरा, मैं सारे घर च रहिंदी हां। मैं हुण जा के आई हां, देख के आई हां। मैं गोपी नूं कह के कहिंदा मैं तैनूं भैण कहिंदा, मैं कहा ठीक, मैं तुहाडे सुखां मंगदी। मैं कहा उहदे अगे केस खराब हो गया और मंग मंग के उहदे दो बेटियां होईआं। मैं कहा असीं अरदासां करदे, तुसीं मेरे पुत्त दा आ करो। मैं कहा मैं जाके देख के आई हां, वो मेरे मुँह हाथ चढ़ा, मैं मेरे पास, मैं कहा मैनू इंसाफ चाहिए, मैनू इंसाफ चाहिए, मैनू मेरे पुत्त का इंसाफ चाहिए। उन्होंने भी खुद पता भी साढ़े घर चो जे कोई गल सी तो मैनू आके दस दे। वजह की आंदे हैं इस लड़ाई का कारण की होया? सानू पता ही नहीं गा किस तरह कर सी, मैनू कोई पता नहीं गा। मैंने तो किसी का फोन गया रात में, एक दोषी रहिंदा फड़न नगर के बहुत एक अण सुखावी घटना जी वापरी कुछ दिन पहला, जिद बहुत नौजवान साडा लड़का वो अपनी जान तो हथ धो बैठा। उस केस का अब उड़द उड़द 7-8 दिन हो गया, जेडे 3-4 बंदे मेन अक्यूज से वो और एक बंद दो बंदे तो हाजिर ने, जो तीजा बंदा मेन है वह नाम वरिंदर है, अडिक्टड है, नशे का आदि आ और फरार है। जोड़ा अडिक्टड है वह लभण जो प्रॉब्लम आती, लेकिन पुलिस भी टीम लैके अपनी पूरी कोशिश कर रही है। मानयोग SSP साहब साढ़े बहुत सख्त ने, उन्होंने सारे के सामने मोबाइल से भी गल हुई है, स्पीकर से भी हुई है। पहला हफ्ते की बेनती कर रहे थे, लेकिन सारे साथ संगठ कहते मैंने हफ्ता ज़्यादा आ, चलो कहते मैं 4 दिन का टाइम दिता जाए, लेकिन मैं 1-2 दिन सॉर्ट आउट कर देना। उस बिहार के उत्ते अज असी अल्टीमेटम दे के उठ के चले हैं, सारा नगर सहमत हो गया। नौजवानों बहुत रोह है इस गल का, उन्हों का भरा से, उन्हों का अपना एक सकियां वांगू इन्होंने उदर की पैरवाई की है। उससे जो 5-7 लाख का खर्चा वो भी इन्होंने नौजवानों ने पे किया, बहुत बेचारा गरीब परिवार है। सो सारा इलाका पार्टी बाजी तो उत्ते उठ के इस परिवार के नाल खड़ा, और मेरा जाति अपना परिवार है, और अगर ये 4 दिनों में मसला नहीं हल हों, जिस तरह असं अगले मिथ्या उलीकी आ और हुण भी उलीकांगे जाके वड्डे पद्धर ते इहदा एक्शन लवेंगे, और इस गल नूं किसे किनारे ला के गिरफ्तारियां करा के जेल भेज के सज़ा कराउण तक तत्पर रहांगे। इस केस में इन्ह मेतियां मैं नौजवानों का भी धन्यवाद करना, परिवार का भी, जिन्होंने समूह नगर निवासियों की मुहजत निवास बहुत बड़ा नहीं, और सलीम होनी सारे बिल्ले होनी साढ़े संजय होनी सारे परिवार जोड़ा आई बिचे ही, प्रेस भी बिचे सहयोग कर रही है। कोई नहीं चाहता साडा छोटा शहर आदा माहौल खराब हो, आवाजाही के कोई बिघन पवे, कोई बीमार है, कोई ठमार है, लेकिन साड़ी इन्होंने गल मनी है। और मैं लगता कि बहुत SHO साहब बहुत तेज ने, और इन्होंने भी यकीन दवाया भी मेरिया पार्टियां लगियां, मैं भी हुण चलिया हाँ, मैनू मेरा भी मन कहता कि दुकान सवेर तक हो जाए। सो इन्हां मेहनती राज सारे चले हैं। देखो ये धरना लाया इन्होंने कि मर्डर होया, साढ़े पहले सट्टा लगियां सी, 5 मुंडे की डैथ हो गई है ना इधर,
ਅਤੇ ਅਸੀਂ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਪੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਰਿੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ 250 ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥਾਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ, ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਖਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਮਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਚਲੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ 10 ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਈਏ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਆ, ਸਟੈਂਡ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ।